श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 11 रावण और उसके सभासदों का सभाभवन में एकत्र होना। राक्षसों का राजा रावण मिथिलेश कुमारी सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था। उसके हितैषी सुहृद विभीषण आदि उसका अनादर करने लगे थे, उसके कुकृत्यों की निंदा करते थे तथा वह सीता हरण रूपी जघन्य पाप कर्म के कारण पापी घोषित किया गया था। इन सब कारणों से वह अत्यंत क्रेश चिंतायुक्त एवं दुर्बल हो गया था। वह अत्यंत काम से पीड़ित होकर बारंबार विदेह कुमारी का चिंतन करता था। इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्रियों और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही समयोचित कर्तव्य माना। वो सोने की जाली से आच्छादित तथा मणि एवं मूंगों से विभूषित एक विशाल रथ पर, जिसमें सुशिक्षित घोड़े जुते हुए थे, जा चढ़ा। महान मेघों की गर्जन के समान घरघराहट पैदा करने वाले उस उत्तम रथ पर आरूढ़ हो राक्षस शिरोमणि दशग्रीव सभा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। उस समय राक्षस राज रावण के आगे आगे ढाल तलवार एवं सब प्रकार के आयुध धारण करने वाले बहुसंख्यक राक्षस योद्धा जा रहे थे। इसी तरह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित और नाना प्रकार के विकराल वेश वाले अगणित निशाचर उसे दाएं बाएं और पीछे की ओर से घेर कर चल रहे थे। रावण के प्रस्थान करते ही बहुत से अतिरथी वीर रथों, मतवाले गजराजों और खेल खेल में तरह तरह की चालें दिखाने वाले घोड़ों पर सवार हो तुरंत उसके पीछे चल दिए। किन्हीं के हाथों में गदा और परिघ शोभा पा रहे थे, कोई शक्ति और तोमर लिए हुए थे, कुछ लोगों ने फरसे धारण कर रखे थे तथा अन्य राक्षसों के हाथों में शूल चमक रहे थे। फिर तो वहां सहस्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। रावण के सभा भवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल शंख ध्वनि होने लगी। उसका वह विशाल रथ अपने पहियों की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा शोभाशाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। उस समय राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उसके दाहिने और बाएं भाग में शुद्ध स्फटिक के डंडे वाले चंवर और व्यजन, जिनमें सोने की मंजरियां बनी हुई थी, बड़ी शोभा पा रहे थे। मार्ग में पृथ्वी पर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़ रथ पर बैठे हुए राक्षस शिरोमणि रावण की सिर झुकाकर वंदना करते थे। राक्षसों द्वारा की गई स्तुति, जय जयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रुघ्न महातेजस्वी रावण उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित राजसभा में पहुंचा। उस सभा के फर्श में सोने चांदी का काम किया हुआ था तथा बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी जड़ा गया था। उसमें सोने के काम वाले रेशमी वस्त्रों की चादरें बिछी हुई थी। वो सभा सदा अपनी प्रभा से उद्भासित होती रहती थी। 600 पिशाच उसकी रक्षा करते थे। विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था। अपने शरीर से सुशोभित होने वाले महातेजस्वी रावण ने उस सभा में प्रवेश किया। उस सभा भवन में वैदुर्यमणि नीलम का बना हुआ एक विशाल और उत्तम सिंहासन था, जिस पर अत्यंत मुलायम चमड़े वाले प्रियक नामक मृग का चर्म बिछा था और उस पर मसनद भी रखा हुआ था। रावण उसी पर बैठ गया। फिर उसने अपने शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र ही यहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुला ले आओ, क्योंकि शत्रुओं के साथ करने योग्य महान कार्य मुझ पर आ पड़ा है। इस बात को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, अतः इस पर विचार करने के लिए सब सभासदों का यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। रावण का यह आदेश सुनकर वे राक्षस लंका में सब ओर चक्कर लगाने लगे। वे एक एक घर, विहार स्थान, शयनागार और उद्यान में जा जाकर बड़ी निर्भयता से उन सब राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। तब उन राक्षसों में से कोई रथ पर चढ़कर चले, कोई मतवाले हाथियों पर और कोई मजबूत घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने स्थान से प्रस्थित हुए। बहुत से राक्षस पैदल ही चल दिए। उस समय दौड़ते हुए रथों हाथियों और घोड़ों से व्याप्त हुई वह पूरी बहुसंख्यक गरुड़ों से आच्छादित हुए आकाश की भांति शोभा पा रही थी।
गंतव्य स्थान तक पहुंचकर अपने अपने वाहनों और नाना प्रकार की सवारियों को बाहर ही रखकर वे सब सभासद पैदल ही उस सभा भवन में प्रविष्ट हुए, मानो बहुत से सिंह किसी पर्वत की कंदरा में घुस रहे हों। वहां पहुंचकर उन सब ने राजा के पांव पकड़े तथा राजा ने भी उनका सत्कार किया। तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासनों पर, कुछ लोग कुश की चटाइयों पर और कुछ लोग साधारण बिछौनों से ढकी हुई भूमि पर ही बैठ गए। राजा की आज्ञा से उस सभा में एकत्र होकर वे सब राक्षस राक्षस राज रावण के आसपास यथायोग्य आसनों पर बैठ गए। यथायोग्य भिन्न भिन्न विषयों के लिए उचित सम्मति देने वाले मुख्य मुख्य मंत्री, कर्तव्य निश्चय में पांडित्य का परिचय देने वाले सचिव, बुद्धिदर्शी सर्वज्ञ सद्गुण संपन्न उपमंत्री तथा और भी बहुत से शूरवीर संपूर्ण अर्थों के निश्चय के लिए और सुख प्राप्ति के उपाय पर विचार करने के लिए उस सुनहरी कांति वाली सभा के भीतर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। तत्पश्चात यशस्वी महात्मा विभीषण भी एक सुवर्ण जटित सुंदर अश्वों से युक्त विशाल श्रेष्ठ एवं शुभकारक रथ पर आरूढ़ हो अपने बड़े भाई की सभा में जा पहुँचे। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी तरह शुक और प्रहस्त ने भी किया। तब रावण ने उन सबको यथायोग्य पृथक पृथक आसन दिए। सुवर्ण एवं नाना प्रकार की मणियों के आभूषणों से विभूषित उन सुंदर वस्त्रधारी राक्षसों की उस सभा में सब और बहुमूल्य अगुरु चंदन तथा पुष्पहारों की सुगंध छा रही थी। उस समय उस सभा का कोई भी सदस्य असत्य नहीं बोलता था। वे सभी सभासद न तो चिल्लाते थे और न जोर जोर से बातें ही करते थे। वे सब के सब सफल मनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे और सभी अपने स्वामी रावण के मुंह की ओर देख रहे थे। उस सभा में शस्त्रधारी महाबली मनस्वी वीरों का समागम होने पर उनके बीच में बैठा हुआ मनस्वी रावण अपनी प्रभा से उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा था जैसे वसुओं के बीच में वज्रधारी इंद्र दे दीप्यमान होते हैं।